टेक्नीशियन किसान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही यूनिक फल दिखाने जा रहा हूँ जो कि सिट्रस फैमिली का बिगेस्ट फ्रूट ऑफ सिट्रस यानी सिट्रस फैमिली का सबसे बड़ा फल है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में पोमेलो, ग्रेप फ्रूट और हिंदी में चकोतरा, जो कि खट्टे फलों में सबसे बड़ा फल है और इसको ग्रैंड फादर ऑफ सिट्रस फैमिली बोल सकते हैं आप, यानी कि खट्टे फलों का ये परदादा है। सबसे पहले नेचर में यही आया, उसके बाद सारी जो भी वैराइटीज है वो डेवलप की गई है साइंटिस्टों के द्वारा। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसकी दो वैरायटी पाई जाती है, एक होती है अंदर से येलो और एक है जो कि पिंक, और ये है शायद मेरे हिसाब से पिंक वैरायटी। अंदर से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, इसका फल है जो इस टाइप का होता है, देखिए आप। और करीबन इसका जो फल की साइज है वो 1 किलो तक हो जाती है। इसके जो पत्ते आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी साइज़ में होते हैं। और एक विशेष बात और इसमें कि इसमें जो कांटे हैं वो नहीं पाए जाते, नहीं तो सिट्रस फैमिली के सभी फ्रूट्स उन सब में जो भी प्लांट्स हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें कांटे नहीं पाए जाते। इसकी ये विशेष बात और है, इसको आप घर पर भी लगा सकते हैं जिससे कि कांटे वगैरह भी नहीं होते। और इसकी डेकोरेशन मतलब यही बनावट भी अच्छी है, तो अच्छा आपका डेकोरेशन के काम भी करता है और हर साल इसमें फ्रूटिंग होती है, तो बहुत अच्छा है। फ्रूट्स है सिट्रस फैमिली का ये पोमेलो चकोतरा। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पौधे से हम जितना चाहे इतने पौधे बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एयर लेयरिंग विधि, जो कि रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा कारगर है। तो इसके लिए हमें सबसे चाहिए एक धारदार चाकू जो कि सैनिटाइज किया होना चाहिए मेरा, हालांकि ये नया है तो इसको सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए हमें कोई भी एक शाखा का चयन करना है जो कि करीबन पेन से थिकनेस की हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और जो भी 3 से 4 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो ये लिए मैंने एक शाखा देखी है जिसमें फ्रूट भी आ रहा है, बराबर फ्रूटिंग हो रही है। ये सारा मदर प्लांट है, देखिए आप इसका चकोतरे का मदर प्लांट है और इसमें फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं। जुलाई का मंथ चल रहा है, इसमें सबसे पहले एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इस प्रकार की जिस शाखा में हमें एयर लेयरिंग करनी है उसमें एक रिंग बनानी है इस चाकू की सहायता से, चारों तरफ देखिए इस प्रकार से, और एक थोड़ा आगे इधर ही, यानी 1 इंची की लंबाई में इसकी जो छाल है वो चारों तरफ की हमें हटा देनी है। तो इस प्रकार से चाकू के सहायता से हमें इस प्रकार से छाल चारों तरफ की निकाल लेनी है। दोस्तों ये मैंने एयर लेयरिंग के लिए मिट्टी तैयार की है, इसमें मैंने मिलाई है थोड़ी दोमट मिट्टी जो भूरे रंग की दिख रही है, और थोड़ा इसमें कोकोपीट लिया है, और थोड़ी मात्रा में ये काली मिट्टी मिलाई है जिससे कि हमारा जो ये मटेरियल है जो अच्छा ऐसा हवादार रहे और टाइट ना हो ज़्यादा, और इसमें जो कि पानी भी इसमें ऑब्जर्व रहे, जो एक बार डालने के गीला करने के बाद दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारी एयर लेयरिंग भी पूर्ण रूप सक्सेस हो जाएगी। और इसमें इस प्रकार की हमें मिट्टी रखनी है, देखिए ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है, इस प्रकार का ही लड्डू से बन जाए। और अभी हम एयर लेयरिंग करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें ये पॉलीथीन भी चाहिए एक वाइट रंग की, जिससे हम जब भी रूट्स फॉर्मेट हो उनको हम बाहर से देख पाए। हमने ये इस प्रकार से सारे चारों तरफ की जो इसकी छाल है इसको हमने रिमूव कर दिया है, और ये लिए हमने ये मटेरियल और इस प्रकार की पॉलीथीन ये लेनी है आपको, और इस प्रकार से इसको यूं करके और इस प्रकार से ये पॉलीथीन में इसको लगाना है और इसको कवर कर देना है। ये देखिए इस प्रकार ये कवर कर दिया हमने, और टाइटली इसको बांधना है जिससे कि इसमें बारिश का पानी और हवा से इसकी जो नमी है वो ख़त्म ना हो और बारिश का पानी भी इसमें ना जा पाए। इस प्रकार से टाइटली हमें पन्नी से इसको बिल्कुल कवर कर देना है, और पॉलीथीन हमें ये वाइट रंग की लेनी है जिससे कि हम जब भी इसमें रूट फॉर्मेट हो हम उसको बाहर से देख पाए। और एक लेना है हमें कपड़े का टुकड़ा या इसकी जगह आप धागा उस धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से इसको हमें बांध देना है टाइटली। बहुत ईजी तरीका है ये पौधे तैयार करने का, इसे एयर लेयरिंग या हिंदी में बोले तो इसे बूटी विधि भी कहते हैं। इस प्रकार से हमें ऊपर भी इसको बांध देना है, टाइटली बांधना है, क्योंकि जितना टाइट बांधेंगे इतनी सक्सेस रेट हमें ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसकी मिट्टी है जिससे सटी जाएगी। इस प्रकार से ये देखिए ऊपर ही बांध देना हमें, और बिल्कुल टाइट बांधना है जैसे इसमें हवा ना लगे और बारिश का पानी नहीं जाए। और इस प्रकार से बीच में भी हमें थोड़ा सा इसको टाइटली लेना है, इससे मिट्टी सटी रहेगी तो जड़ें अच्छी निकलेगी और जल्दी निकलेगी। इस प्रकार से ऊपर नीचे, और हमारी जो ये एयर लेयरिंग की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई है, और इसमें
डेढ़ से दो महीने लग जाएंगे रूट्स आने में और कंप्लीट तैयार होने में। उसके बाद हम इसको यहाँ से काट कर इसको 7 से 8 दिन छाया में रखेंगे, उसके बाद हम कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से एयर लेयरिंग विधि से हम चकोतरा का पौधा बहुत ही आसान और कम समय में, जो कि हमें अगले साल से फ्रूटिंग देगा, तैयार कर सकते हैं। इस विधि से और भी चकोतरा के अलावा और भी पौधे हैं जिनको हम इस प्रकार से, हमारी जो एयर लेयरिंग प्रक्रिया है ये देखिए, मैंने दो तो इस पेड़ में बांधे हैं, देखिए ये चकोतरा आ रहा है और यहाँ पर एयर लेयरिंग की है, ये देखिए इसमें भी, और भी दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरा पेड़ और उसमें 4 जगह उसमें मैंने एयर लेयरिंग की है। और बाद में 1.5 से 2 महीने बाद जो इसका अपडेट आएगा वो भी मैं आपको दूंगा। ये देखिए ये 2 एयर लेयरिंग मैंने यहाँ पे की है, और ये देखिए ये 5वें नंबर की है और ये 6वें नंबर की है। जैसा ही इसका रिजल्ट अपडेट आएगा मैं अपडेट करके आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की इसमें रूट फॉर्मेट होती है और बाद में इसको किस प्रकार के हम लगा सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया मैं अपडेट करूँगा। धन्यवाद।